जी मैं ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਕਿਤ ਕਿਵਟਨ ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਪੇੜ ਕਿੱਦਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰੀਏ ਸੋ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸਕਿਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸੋ ਆਜੋ ਸੋ ਇਹ ਹਮਾਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਹੈ ਧਿਆਨ ਸੇ ਬਣਾਣੀ ਸ਼ੇਪ कस्टमर को चाहिए तिखी दाढ़ी चाहिए कस्टमर को पूछ के तो कस्टमर जैसे कह रहा है वैसे काम करके देना हमने जो हमने तिखी कान से तिखी नीचे को बनानी है दाढ़ी बड़े ध्यान से करना है ज़्यादा नीचे नहीं होनी चाहिए शेप और जो गर्दन वाला जो कट है ये भी सीधा लगाना है आपने बड़ो प्रॉपर ध्यान से लगाना है प्रॉपर तरीके से आराम आराम से आप देख सकते हैं कट बिल्कुल सीधा लगाना है थोड़ा अंधेरा पड़ रहा है दिख नहीं रहा थोड़ा कट बस सीधा ही है वो सीधा कट लगा करके प्रॉपर तरीके से लगा देना है हमने सो आप देखते रहो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कर देना जो मेंबर देख रहे हैं हमारे जरूर लाइक कमेंट कर देना यही हमारे लिप्स पे जो बाल आ रहे हैं हल्के हल्के वो भी काट देने ध्यान से काट रहे हैं बहुत ही प्रॉपर तरीके से मूछें बचा करके साथ के साथ ब्रश मारते रहना फेस पे इचिंग बन रहे थे कस्टमर की कभी इचिंग नहीं होनी चाहिए कस्टमर के साथ ये ले आ गया हमारा का दूसरा स्टेप कस्टमर को तीन नंबर चाहिए थे कस्टमर बोला तीन नंबर लगा दो हमने तीन नंबर लगा के जो इनकी थोड़ी वाली दाढ़ी वो हैवी रखनी इन्होंने तीन नंबर लगाने के अच्छे तरीके से दोनों साइड तीन नंबर लगा के बराबर कर देनी है ठीक है बहुत ही ध्यान से लगाना है आपको ये अपने दूसरी साइड भी हमने तीन नंबर लगा के बराबर कर देनी दाढ़ी ये थोड़ी वाली दाढ़ी इन्होंने को हैवी चाहिए बहुत ध्यान से लगाना है देखो तो अभी तक जिन्होंने वीडियो लाइक नहीं की लाइक कमेंट जरूर कर लें चैनल को सब्सक्राइब कर लें यूट्यूब पर जो मेम्बर देख रहे हैं अब जो हमने छोटी पे बाल हैवी रखे हैं वो कैंची से हमने बराबर कर देने जो खड़े खड़े बाल हैं सेट कर देने हैं प्रॉपर तरीके से नाक और कान बचा करके कि मेरी कैंची में आ जाता है कान भी आ जाता है नाक भी आ जाता है प्रॉपर तरीके से हमने कैंची चलानी है सीजर ध्यान से चलानी है बहुत ही प्रॉपर तरीके से नाक और कान पर लगनी चाहिए स्किन पर लगनी चाहिए सीजर हमने ऐसे तरीके से चलानी ये रही दाढ़ी हमारी हो गई सेट अब हमने लगाएँगे रेज़र जहाँ जहाँ हमने मशीन से शेप बनाई हमें बस दाढ़ी को नरम करके अब हम टावल लगाएंगे टावल इसलिए हम लगा रहे हैं शीट खोल करके क्योंकि शीट पे जब हम पानी मारते हैं शीट पे लग जाता है फिर दूसरे कस्टमर को लगाएंगे थोड़ा गिल्ला फील होगा है कि नहीं इस करके हम टावल लगा के दाढ़ी को नरम करेंगे जहाँ जहाँ हमने ब्लेड लगाना है रेजर लगाना है ये चौथा स्टेप आ गया हमारा देखो ध्यान से स्किन खींच खींच के हमने ब्लेड लगाना है बहुत ही प्रॉपर तरीके से आप देख सकते हो ठीक है ना बहुत ध्यान से लगाना है आप देख सकते हैं सो प्रॉपर तरीके से ब्लेड लगा करके शेप को बिल्कुल सीधा कर देना है हमने ध्यान से ऐसे ही हमने अभी सीधी शेप जो बनाई है यहाँ पर भी हमने हल्का हल्का ब्लेड लगा के बराबर कर देने हैं शेप तो हमने मशीन से बनाई दी थी और ब्लेड लगा के हमने थोड़ी फिनिशिंग देनी है अच्छे तरीके से ठीक है सो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें सो बहुत ही अच्छे तरीके से काम करना है मतलब मूछे के ऊपर भी हल्का हल्का लगा देना ब्लेड शेप सी बन जाए जो सीधी सो बहुत ही अच्छे तरीके से काम करना है ध्यान से सो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें ध्यान से बनानी जितनी शेप है मशीन से हमने शेप बनाई थी वहीं में हमने ब्रेजर लगा के सीधे का शेप बना दिया सो थैंक यू लव यू सारे नो बहुत ही ध्यान से बनना है काम ये जितनी भी यहाँ जहाँ हमने मशीन लगाई थी वहीं वहीं हमने ध्यान से लगा लेना है ब्लेड ध्यान से कैंची चलानी है कान पे और नाक पे नहीं लगनी चाहिए कैंची बड़े ध्यान से सो लव यू सारे थैंक यू